वृश्चिक राशि वालों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों हो जाइए सावधान, आखिर जिस बात का डर था वही होगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 5 दिनों के अंदर बहुत बड़ी ठोकर लगने वाली है। वृश्चिक राशि वालों, समय रहते हो जाइए सावधान, अभी भी वक्त है, ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है। जी हाँ दोस्तों, आपकी एक छोटी सी सावधानियां आपको बहुत बड़े खतरों से बचा सकती है, तो वहीं दूसरी ओर आपकी एक छोटी सी नादानियां आपको जो है बहुत बड़े खतरों में डाल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगले 5 दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा कांड होगा। जी हाँ दोस्तों, यह पूरी वीडियो आपकी कुंडली एवं ग्रह गोचर पर आधारित है। आने वाले अगले 5 दिनों में अंतरिक्ष के ग्रह गोचर में जो बदलाव हो रहे हैं वे आपके ऊपर व्यापार के लिए कैसा रहेगा, नौकरी के लिए कैसी रहेगी, स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा, तो वहीं आपके प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए व खासकर बेरोजगार लोगों के लिए कौन कौन से शुभ एवं कौन कौन से अशुभ परिणाम लेकर आने वाले हैं, क्या सावधानियां आपको बरतना चाहिए, कौन कौन से उपाय करना चाहिए ताकि इन सभी का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर हावी ना हो पाए, सब कुछ कार्य से लेकर विस्तार तक हम आज की इस वीडियो में चर्चा किए हैं। साथ ही दोस्तों, कौन सी सावधानियां आपको पालन करना चाहिए वह भी हमने आज की इस वीडियो में बताई है, वो वीडियो के बीच बीच में। और दोस्तों, वीडियो के अंत में हम एक से दो उपाय बताए हैं, जो कि ये उपाय बहुत ही सरल और लाभकारी है, अगर आप सच्चे तन मन से, सच्चे दिल से कर लेंगे तो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में कोई विघ्न बाधा, कोई परेशानी परेशान नहीं करेगा और आप अपने मंजिल की ओर लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए दोस्तों, हमारी आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले संकट मोचन हनुमान जी के जो भी सच्चे भक्त हैं वे अभी के अभी वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे तन मन से संकट मोचन, संकट हरण, जय श्री हनुमान जी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, संकट मोचन जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में एक भी संकट नहीं रहेंगे, सारे संकट दूर हो जाएंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही अच्छे अनमोल विचार से। देखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखते हैं, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। वक्त बीत गया तो लोग भुला देते हैं, बेवजह अपनों को भी रुला देते हैं। जो दिए रात भर रोशनी देता है, सुबह होते ही लोग उसे भी बुझा देते हैं। रात भर फूलों को भी पता नहीं होता है कि सुबह होने के बाद उन्हें मंदिर में भगवान के पास जाना है या कब्र स्थान। दोस्तों, इससे हमें यह पता चलता है कि हम किसी के लिए भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, हम उनके लिए तब तक खास हैं जब तक हमारी उन्हें ज़रूरत है, ज़रूरत खत्म होते ही लोग हमें भुला देते हैं। दोस्तों, बात अगर आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखें राधे राधे। आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, यह समय किसी भी अनजान व्यक्ति पर विश्वास करना आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है, ज़्यादा सोच विचार में समय भी ना लगाएं। यह समय कल्पना में न जीकर हकीकत में जीने का प्रयास करें, इससे आपका जो है काफी बड़ा लाभ होगा। इसके उपरांत कोई भी महत्वपूर्ण कागजात न मिलने से चिंता आपकी रह सकती है और आपके ऊपर जांच पड़ताल कोई हो सकता है, इसलिए दोस्तों आप इस समय पूरी जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह संभाल कर रखना आपके लिए उचित रहेगा। इसके उपरांत आप अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए बहुत अधिक मेहनत और एकाग्र की आवश्यकता रहेगी। बातचीत के दौरान उचित शब्दों का भी प्रयोग करें, इससे मन को संयमित रखें, क्योंकि कभी कभी ईगो और घमंड आपको अपने लक्ष्य से भी भटका सकता है। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे विरोधी आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र भी रच सकती हैं, उससे अभी आपको सावधान और सतर्क रहना होगा तथा ज्यादा मेल जोल रखना भी अभी आपके लिए परेशानी खड़ी करेगा।
इसलिए दोस्तों अभी जितना हो सके शांत जगह में रहें और एक दूसरे से दूरी बनाकर रखना अभी आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत अकेले से बचने के लिए मनपसंद गतिविधियों में कुछ समय जरूर व्यतीत करें और इस समय अपने कामों में ही ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान फोकस करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत यह समय किसी अनुभवी तथा जो है प्रभावशाली लोगों का सानिध्य मिलेगा, आपसी वार्तालाप को ही उत्साहित और ताजगी देगा। किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति के साथ बातचीत के माध्यम से कुछ समस्याओं का भी हल मिल सकता है। बच्चों से अनुशासित तथा मर्यादित जो व्यवहार रखेंगे तो आपके लिए दिक्कत होगा। जितना हो सके उनके साथ दोस्ताना व्यवहार रखकर बातचीत करें और उनकी समस्याओं का समाधान पाने की कोशिश करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, देखिए दोस्तों ग्रह सितारे संकेत दे रहे हैं कि यह समय किसी बाहरी व्यक्ति से बात विवाद होने जैसी स्थिति बन रही है। दूसरों के मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप अभी आपको नहीं करना है और ना ही उलझना है, अन्यथा परेशानियां आपकी बढ़ सकती है। बाहरी गतिविधियों में ज़्यादा समय व्यतीत ना करें, दिक्कत होगा। साथ ही साथ अनावश्यक खर्चे भी आपके सामने आएंगे, जिन्हें काबू करना आपके लिए और दिक्कत और परेशानी बढ़ेगा। जितना हो सके अपने बजट का ही ध्यान रखकर चले तो अभी आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, इस समय बीमा निवेश आदि जैसे कार्यों में पैसा लगाना अभी आपके लिए दिक्कत हो सकता है। स्टॉक मार्केट या फाइनेंस संबंधित कोई मामला चल रहा है तो उसे आप अभी स्थगित ही रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय जो है अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत अधिक परिश्रम की ज़रूरत है। घर पर पैसे संबंधित लेन देन करते समय अभी आपको सावधान रहना होगा, जो है इसका असर संबंधों पर ना पड़े, इसलिए आप ज़्यादा लेन देन को अभी आप स्थगित रखें तो आपके लिए अच्छा रखेगा। इसके उपरांत ख्याली जो है पुलाव बनाने में समय व्यर्थ ना करें, आपके लिए जो होगा अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने का समय है। वहीं दोस्तों अगर आपकी व्यवसाय को लेकर बात करें तो यह समय जो है व्यवसायिक कार्य प्रणाली में कुछ बदलाव होंगे। प्रॉपर्टी संबंधित व्यवसाय में कोई बड़ी डील होने की संभावनाएं बन रही है। जो है कागजात वगैरह की अच्छी जांच पड़ताल करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सरकारी सेवारत व्यक्तियों के भी प्रभाव के जो है गैर कानूनी में दूरी बनाकर रखें, अभी आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो यह समय प्रेम संबंधों को जल्द ही विवाह में परिणित होने का अवसर बनेगा। पारिवारिक जीवन आपका सुखमय बना रहेगा और रिश्तों की गरिमा बनाकर रखने से परिवार में भी सुख शांति बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में नज़दीकियां बढ़ेगी और जो है गलत के व्यर्थ संबंधों से अभी आपको दूरी बनाकर चलना आपके लिए उचित रहेगा। दोस्तों अगर खास उपाय की बात करें तो जिन लोगों के घर में पैसा नहीं रुकता है, नियमित रूप से अपने घर में चंदन की धूपबत्ती या अगरबत्ती जरूर जलाएं। चंदन की महक से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी का वास होता है। इसके अलावा नियमित रूप से आप किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में दवाइयों का दान भी कर सकती हैं, इससे भी आपको काफ़ी जो है लाभ मिलेगा और इससे भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं, जो कि आपको किसी भी नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। दोस्तों जानकारियां अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अभी के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।